हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है आलू को बॉईल करने रख दिया है। अच्छा, ये मैंने एक कप मैदा लिया है, ये पूरा फुल एक कप है, एक कप के लिहाज से लिया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। ज़ीरा मैंने हाफ टी स्पून डाला है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करने लगी हूँ। मेरे पास घी नहीं है तो मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को गूनूंगी। डो हमें थोड़ी सी हार्ड गूननी है। तो चलिए अब मैं आपको डो गून के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने समोसों की डो गून ली है। समोसों की डो थोड़ी सी मैंने हार्ड गूनी है। इसमें मैंने अभी ऑयल लगाया है, 1 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी। अब हम समोसों का मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू जो हैं अभी ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुके हैं, तो जब तक हम अपना मसाला आलूओं का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करूंगी, मैं जो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, मैं ज़ीरा ऐड करूंगी, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, ब्लैक पेपर, हसबे ज़रूरत नमक और कसूरी मेथी। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं है। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी मैंने बहुत ज़रा सी ली है, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई मिर्च, मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं इसके अंदर ज़रा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा ऐड करूंगी टेस्ट के लिए, पाते हैं। अच्छा जी, मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी, अच्छा मैं जब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, मैंने एक अनियन लिया था, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, हरे धनिया लिया है और एक मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए, आलूओं का मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं समोसों की डो की तरफ आती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए आलू की डो, हमने 1 घंटा इसको खराब किया था। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा मैदा डाल के इसको अच्छी तरह रोल करके इसको कट करूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, अब मैं समोसों की डो रेडी करने लगी हूँ। एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। अब मैं इस तरीके से सारे कट कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने ले लिया है। अब मैं इस तरीके से इसको रोल करके पेड़ा बना लूँगी। इस तरीके से देखिए, मैंने समोसे की पट्टी को गोल कर लिया है। अब मैं इसको छुरी से कट करने लगी हूँ। ये देखिए, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। ठीक है, अब मैं समोसे को रेडी करूँगी। ये देखिए, ये बन गए मिनी समोसा। इस तरीके से मैं सारे रेडी कर लूँगी और रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में इसको पैक करके रख दूँगी।
जब तिल करे आप तल के खाओ, और ये 10 दिन भी आपके एयर टाइट बॉक्स में इसी तरह ही रहेंगे।